Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोबायोलॉजी के बारे में, व्हाट इज़ एग्रोबायोलॉजी और इसकी रेलिवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया और इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, या हम यह कहें कि इसके लॉ क्या हैं एग्रोबायोलॉजी के। तो देखिए, बायोलॉजी टर्म से आप बहुत एक्वेंटेड होंगे, जानते होंगे बायोलॉजी क्या है। जो भी हमारी साइंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बायोलॉजी है। जो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में आते हैं, और एग्रो जो मीन्स होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हम एग्रीकल्चर में अगर लाइफ प्रोसेस की स्टडी करें तो वो एक हमको लगता है कि एग्रोबायोलॉजी है। ये तो एक मैंने ऐसी लिटरल मीनिंग बताई कि क्या इसका मतलब आ रहा होगा। तो एग्रोबायोलॉजी में एक्चुअली में जो लाइफ प्रोसेस है, हम यहाँ प्लांट्स को मान रहे हैं कि प्लांट्स की जो हम स्टडी करें। तो जो एग्रोबायोलॉजी में जो कंसिडर किए जाते हैं वो क्रॉप प्लांट्स किए जाते हैं, और इसमें क्रॉप कंसीडर की जाती है, एक इंडिविजुअल प्लांट कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि हम फील्ड पे जो ग्रो करते हैं वो क्रॉप करते हैं। नो डाउट वो प्लांट्स होते हैं, लेकिन हम जो यील्ड लेते हैं वो पूरी एक यूनिट एरिया की लेते हैं, और जिसमें प्लांट्स का कलेक्टिव उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब भी हम एग्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ क्रॉप की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल प्लांट की बात नहीं होती है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन से देखें कि व्हाट इज़ एग्रोबायोलॉजी, सो इट इज़ साइंस। तो ये देखिए, एक साइंस है। अगर साइंस है तो इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उनके कुछ लॉजिक्स होंगे। तो साइंस अगर कोई चीज़ है तो ज़रूर उसके अंदर कोई लॉजिक रहेगा और फैक्ट्स होंगे। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। प्लांट किस तरह से न्यूट्रिएंट ले रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, वो न्यूट्रिशन में आएगा, प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, और किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है इन रिलेशन टू सॉइल कंडीशन। अब देखिए, न्यूट्रिशन में और ग्रोथ में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम फैक्टर मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं कि सॉइल किस तरह से न्यूट्रिशन को और ग्रोथ को किस तरह से रिलेट कर रही है, स्पेशली टू डिटरमाइन द वेज टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, कि किस तरह से कौन से ऐसे वे हो सकते हैं जिससे कि क्रॉप की यील्ड बढ़ाई जा सके। तो इसका मतलब एग्रोबायोलॉजी वो साइंस है जो प्लांट न्यूट्रिशन और ग्रोथ को कंसीडर करते हुए ये देखते हैं कि मैक्सिमम हम यील्ड कैसे ले सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं यील्ड को बढ़ाने के। अगर हम दूसरों उसमें देखें व्हाट इज़ एग्रोबायोलॉजी, सो एग्रोबायोलॉजी इज़ डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। अभी हम साइंस की बात कर ही चुके हैं, तो ये एग्रीकल्चरल साइंस की डिवीज़न है, विच कंसिडर्स दी जर्नल रिलेशंस ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, प्लांट्स को उसके इन्वायरमेंट के साथ हम कंसीडर करते हैं, इसी को हम एग्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं, कंसीडरेशन हमारा क्या है, यील्ड को इंक्रीज करना। तो जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन में बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही रहता है। तो ये एक एग्रोबायोलॉजी की एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, और इसका मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बताया कि हम ये देखते हैं कि क्रॉप का क्या, किस तरह से हम इसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, इसकी लाइफ प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये कंसीडर कर रहा है जनरल रिलेशन ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंट है एग्रोबायोलॉजी में वो एक्सटर्नल प्रोसेस का है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लेते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस जो हो रहे हैं प्लांट्स के, मतलब प्लांट के अंदर नहीं हो रहे हैं, प्लांट्स के बाहर जो हो रहे हैं, बाहर जो कौन सा प्रोसेस किससे रिलेट होगा, भाई उसकी रूट्स किस में है, सॉइल में होंगी, तो वो प्रोसेस कहाँ से अफेक्ट हो रहे हैं, जनरली सॉइल से अफेक्ट हो रहे थे। इसलिए इसका जो रिलेशन रहता है वो सॉइल कंडीशन से रहता है कि सॉइल में, अब कंडीशन में मेनली इसका न्यूट्रिएंट से है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस से जो है इसको हम कंसिडर करते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं ग्रोथ के अफेक्ट करते हैं क्रॉप को। तो अब यहाँ देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स लिए जा रहे हैं, इंटरनल प्रोसेस नहीं लिया जा रहा है। जबकि फिजियोलॉजी में क्या लेते हैं हम, फिजियोलॉजी की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि उसका फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, एसिमिलेट्स कैसे कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, इसकी स्टडी हम एग्रोबायोलॉजी में नहीं करते हैं, और फिजियोलॉजी में यही सारी स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी में जो स्टडी करते हैं वो इंटरनल प्रोसेस की करते हैं कि इंटरनल प्रोसेस क्या है प्लांट्स में। तो इस कारण से जो ये एग्रोबायोलॉजी है वो फिजियोलॉजी नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एग्रोबायोलॉजी किस तरह से फिजियोलॉजी से डिफरेंट है। तो फिजियोलॉजी में इंटरनल प्रोसेस की स्टडी हो रही है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरह से ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसमें जो हम कंसीडर करते हैं एग्रोबायोलॉजी में कि हम किस तरह की स्टडी करते हैं या हम किन चीज़ों को एम्फेसिस देते हैं, तो इसमें जो मेन एम्फेसिस है या हमारा जो मेन कंसिडरेशन है वो है कि टू डिटरमाइन द परफेक्ट एनवायरनमेंट, कि वो कौन सा परफेक्ट एनवायरनमेंट होगा कि जिसमें प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो एग्रोबायोलॉजी में वो एनवायरनमेंट को हम देखते हैं कि उसके लिए सॉइल कैसी रहेगी या उसके लिए न्यूट्रिएंट डोज कितनी रहेगी, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये परफेक्ट एनवायरनमेंट को कंसीडर करता है जहां ग्रोथ प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो अब आपको एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा कि इसमें जो कंसीडरेशन है वो एनवायरनमेंट का है, परफेक्ट एनवायरनमेंट। नंबर 2 इज व्हाट इज द मैक्सिमम यील्डिंग एबिलिटी, किसी प्लांट की जो यील्ड है या जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी हो सकती है इस परफेक्ट एनवायरनमेंट में। पहले हमने एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देखा क्या हो सकता है, दूसरा उस परफेक्ट एनवायरनमेंट में क्रॉप की मैक्सिमम यील्ड क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम यील्डिंग एबिलिटी और हम कह सकते हैं ग्रोथ, कि कितनी मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, इसको भी हम एग्रोबायोलॉजी में कंसीडर करते हैं। थर्ड है कि ये हमें जो लेना है मैक्सिमम यील्ड लेना है इस परफेक्ट एनवायरनमेंट में, तो हमारे के लिए कौन से ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। तो ग्रोथ फैक्टर्स टू ऑब्टेन दिस मैक्सिमम यील्ड। और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स में मेनली जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन 3 न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एम्फेसिस दी गई है। तो एग्रोबायोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। एग्रोबायोलॉजी को अब ये 3 पॉइंट हैं, इनको कंसीडर कीजिए कि एग्रोबायोलॉजी में हम क्या कंसीडर करते हैं, वो परफेक्ट एनवायरनमेंट जिसमें मैक्सिमम यील्ड आएगी और कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर चाहिए। तो अब ये तो एग्रोनॉमिस्ट का काम भी है, एग्रोनॉमिस्ट भी यही काम करते हैं, एग्रोनॉमी में यही होता है, क्रॉप कल्टीवेशन हम करते हैं, मैक्स यील्ड हम ग्रोथ फैक्टर्स जो भी हैं, सोलर रेडिएशन है, न्यूट्रिएंट है, वाटर है, स्पेस है, सीड रेट है, जो भी है, वीडिंग है, हम यही काम एग्रोनॉमी में भी करते हैं कि एग्रोनॉमी में हम यील्ड को मैक्सिमाइज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के साथ। तो अब एग्रोबायोलॉजी और एग्रोनॉमी में क्या डिफरेंस हुआ, अभी तो मैंने आपको बताया था कि एग्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। देखिए एग्रोनॉमी में जो है हमारा कंसिडरेशन यील्ड तो बढ़ाना ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट है कि नेट रिटर्न क्या है। तो हम एग्रोनॉमी में यील्ड को तो कंसिडर करते हैं, उसके साथ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं। अगर यील्ड बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है तो एग्रोनॉमिकली वो यील्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम मैक्सिमम यील्ड वहाँ तक ले जाएंगे जब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन एग्रोबायोलॉजी में कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। एग्रोबायोलॉजी में ये कंसीडर करते हैं कि कितनी मैक्सिमम यील्ड हम किसी क्रॉप की ले सकते हैं और उस यील्ड को लेने के लिए हमें कौन से ग्रोथ फैक्टर्स देने होंगे और कौन सा परफेक्ट एनवायरनमेंट होगा। तो ये एक डिफरेंस है एग्रोबायोलॉजिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट में। एग्रोनॉमिस्ट क्या करेंगे, हम पहले कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे, कितना का सीड लगा, कितने का फर्टिलाइजर लगा, कितने का वाटर लगा, इरिगेशन कॉस्ट क्या आई, वीडिंग कॉस्ट क्या आई, और उसके बाद यील्ड कितनी आई और यील्ड के बाद हमने जो आउटपुट बेचा वो ग्रॉस रिटर्न कितना आया, उसमें से फिर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाते हैं, नेट रिटर्न देखते हैं प्रॉफिट कितना आया। अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट कम होता जा रहा है, नेट रिटर्न कम आता जा रहा है, तो हम फिर यील्ड उस लेवल पर नहीं जाते हैं। हम यील्ड मैक्सिमम कहाँ लेते हैं, एग्रोनॉमी में जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन एग्रोबायोलॉजिस्ट का जो मेन कंसर्न है वो मैक्सिमम यील्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रोबायोलॉजिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो लेकिन एग्रोबायोलॉजी की एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी रेलिवेंस है। अगर हमको अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो पहले हमें थिंक करना चाहिए एज ए एग्रोबायोलॉजिस्ट। एग्रोबायोलॉजिस्ट की तरह हमें पहले सोचना चाहिए कि भाई मान लीजिए हमें शुगर केन ग्रो करना है, तो हम पहले ये देखें कि शुगर केन ग्रो करने के लिए कौन सा परफेक्ट एनवायरनमेंट होगा, मतलब परफेक्ट एनवायरनमेंट कौन सी सॉइल टाइप हमें चाहिए, कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए, कितना वाटर लगेगा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि हम उस एनवायरनमेंट में कितनी शुगर केन की प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट चाहिए या कितनी क्वांटिटी में वाटर चाहिए। तो पहले तो हम एग्रोबायोलॉजिस्ट की तरह सोचें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए। फिर हमें थिंक करना चाहिए एग्रोनॉमिस्ट की तरह। एग्रोनॉमिस्ट की तरह हम थिंक करें कि भाई इतना हम लगाएंगे और ये हमें प्रोडक्शन मिलेगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है एग्रोबायोलॉजिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट का। तो हमें दोनों की तरह थिंक करना है। पहले हमें एग्रोबायोलॉजिस्ट की तरह थिंक करना है, दूसरे नंबर पे हमें एग्रोनॉमिस्ट की तरह थिंक करना है, तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। और एग्रोबायोलॉजी जो है वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिस को कंसिडर नहीं करते कि कब बुआई करें या किस तरह से बुआई करें या टिलेज क्या होगी, मिनिमम टिलेज करें या कौन सी वो करें, कब बोएं, ये कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, परफेक्ट इन्वायरमेंट कंसिडर किया जाता है कि कौन सी सॉइल होगी, इसको कंसिडर किया जाता है, कौन सा क्लाइमेट होगी, कौन सी इकोलॉजी होगी जहाँ मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं। जबकि एग्रोनॉमी में हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस को कंसिडर करते हैं। तो एग्रोनॉमी में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं और इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, जबकि एग्रोबायोलॉजी में इनको कंसिडर नहीं करते। जो कंसिडर करते हैं वो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कौन कौन सी करते हैं। तो ये आपको एग्रोबायोलॉजी समझ में आया होगा कि एग्रोबायोलॉजी क्या है। उसके बाद एक क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी होती है, और इस क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया था वो विलकॉक्स ने दिया था, तो इसलिए एग्रोबायोलॉजी को विलकॉक्स एग्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी में हम ये देखते हैं कि क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगी प्लांट की और ग्रोथ फैक्टर्स की। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी का, और जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी। और ये जो कंसेप्ट है ये दिया था विलकॉक्स ने 1928 में। तो जनरली एग्रोबायोलॉजी को हम विलकॉक्स एग्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, तो जो इसके फाउंडर थे वो विलकॉक्स थे। तो पूछा जा सकता है कि एग्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था। तो अब देखिए एग्रोबायोलॉजी हमने समझ लिया क्या है, क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। तो क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी में जर्नल एंड स्पेसिफिक दोनों तरह की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी की जाती है। जर्नल एंड स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड इट्स ग्रोथ फैक्टर, प्लांट के और इसके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसके बीच में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मतलब ग्रोथ फैक्टर देने से यील्ड कितनी आएगी, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हुआ। 100 kg नाइट्रोजन देंगे तो कितनी यील्ड आएगी, तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हुई। तो ये जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है। जनरल क्या है, पूरे सबके लिए है, और स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए भी है। तो ये जनरल एंड स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड इट्स आउटर फैक्टर ऑफ ग्रोथ। देखिए आउटर फैक्टर ऑफ ग्रोथ कहा जा रहा है, इंटरनल से इसका लिंक नहीं है ताकि फिजियोलॉजी से इसको सेपरेट रखा जाए। तो ये क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी है। और जो विलकॉक्स ने इसके तीन कंसेप्ट दिए थे, तीन कंसेप्ट पे ये रिलेटेड है, 3 कंसेप्ट हैं इसके क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी के। पूछा भी जा सकता है कि कितने कंसेप्ट पे है, और ये 3 कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है मिस्चरलिच का जो लॉ है, डिमिनिशिंग यील्ड रिटर्न का इसका लॉ है जो मिस्चरलिच का, वो इसमें कंसेप्ट में लिया जाता है। जो मिस्चरलिच ने जो डिमिनिशिंग रिटर्न बताया था कि जैसे जैसे हम ग्रोथ फैक्टर की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं यील्ड बढ़ती है, लेकिन यील्ड का रिस्पांस धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मिस्चरलिच की जो इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस सी एक्स, ये उन्होंने रिलेशनशिप दी थी, और इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा, इसी पे इन्होंने कन्वर्ट करके इसी का दिया था y इज इक्वल टू ए इंटू 1 - 10⁻⁻cx, इसी का कन्वर्जन है, मॉडिफिकेशन है, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन है। ये इक्वेशन इसी से ड्राइव हुई है, इसको स्पिलमैन इक्वेशन भी कहते हैं, स्पिलमैन इक्वेशन। तो ये पूछा सकता है कि स्पिलमैन इक्वेशन क्या है, मिस्चरलिच इक्वेशन से ड्राइव की गई है। और फिर इसी लॉ पे बॉल ने भी काम किया था, जिन्होंने 50% यील्ड इंक्रीमेंट का कंसेप्ट दिया था, और इसी को उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को 100% माना था, तो उसको उन्होंने फिर बोला था लॉग 100 माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ये ए, इन्होंने इसको ए माना है यहाँ पे ए माइनस वाई, फिर लॉग 100 करके इसको माइनस जो 0.301x ये वैल्यू उन्होंने सी की वैल्यू निकाली थी। इसको अभी मैंने बताया कैसे इसको निकाला था। तो ये मिस्चरलिच बॉल इक्वेशन कहलाती है। तो इसके तीन कंसेप्ट हैं जिसको मैंने पहले बताया, मिस्चरलिच लॉ। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है नाइट्रोजन कांस्टेंट, जिसको हम एग्रोबायोलॉजिकल नाइट्रोजन कांस्टेंट भी बोलते हैं, N318। दूसरा कंसेप्ट है, इसकी भी मैंने तीनों कंसेप्ट के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको इसकी बहुत क्लियरिटी होगी। तो यहाँ ये हमें जानना ज़रूरी है कि एग्रोबायोलॉजी के तीन कंसेप्ट हैं। पहला है मिस्चरलिच लॉ, दूसरा है N318। तो ये N318 का मैं पूरा लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो इसको देखें, और इनके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा इन तीनों लेक्चर्स के। और 318 का मतलब यह है कि अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट ना हो और ऑप्टिमम कंडीशन हो तो और एडिक्वेट अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर्स हो तो जो प्लांट्स हैं वो 300 पाउंड नाइट्रोजन पर एकड़ का अपटेक कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये 318 पाउंड्स पर एकड़ का नाइट्रोजन अपटेक है, तो प्लांट्स इतना मैक्सिमम अपटेक कर सकते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट है एग्रोबायोलॉजी का। तो पहला था मिस्चरलिच लॉ। अब ये अभी मैं बताऊंगा ये इस तरह के इन्होंने क्यों लिए, ये तीन ही क्यों लिए। दूसरा है N318 नाइट्रोजन कांस्टेंट, एंड थर्ड इज इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, जिसमें ये बताया विलकॉक्स ने कि अगर प्लांट में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाए, ड्राई मैटर में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो तो उसकी यील्ड कम हो जाती है, और अगर नाइट्रोजन कंटेंट कम हो तो उसकी ड्राई मैटर यील्ड ज़्यादा होती है। तो ये जो दो कंसेप्ट हैं ये विलकॉक्स ने ही दिए थे, उन्होंने ही डेवलप किए थे। अब ये जो एग्रोबायोलॉजी है इसमें यही तीन लॉ क्यों या तीन कॉन्सेप्ट ही क्यों कंसिडर किए जाते हैं, ये एक्चुअली विलकॉक्स का कंसेप्ट है, उन्होंने तीन उस समय ये लिए। देखिए, पहला है परफेक्ट इन्वायरमेंट, एग्रोबायोलॉजी का पहला कंसर्न है परफेक्ट इन्वायरमेंट जिसमें क्रॉप की अच्छी यील्ड हो। दूसरा है कितनी मैक्सिमम यील्ड हो सकती है, उसकी लिमिट डिफाइन करना कि मैक्सिमम कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है उसके लिए ग्रोथ फैक्टर क्या चाहिए। तो देखिए, यील्ड कितनी यील्ड मिलेगी या यील्ड का क्या रिस्पॉन्स होगा और कितनी यील्ड कितने ग्रोथ फैक्टर से मिलेगी वो मिस्चरलिच लॉ से पता चलेगा। तो जब हम मिस्चरलिच लॉ को बनाते हैं, देखते हैं एसिम्प्टोटिक कर्व इस तरह से चलता है, ये 100% यील्ड अगर जा रही है तो देखिए ग्रोथ फैक्टर हम बढ़ाते जा रहे हैं और ये मैक्सिमम यील्ड जा रही है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें कितना ग्रोथ फैक्टर चाहिए। तो मिस्चरलिच लॉ से हमें ये पता चलता है कि एक इन्वायरमेंट में अगर हमको यील्ड लेनी है तो हमें कितना ग्रोथ फैक्टर चाहिए। यहाँ यील्ड है, ये यील्ड है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे न्यूट्रिएंट है। दूसरा, नाइट्रोजन 318 पाउंड पर एकड़ से पता चलता है कि अगर इन्वायरमेंट परफेक्ट है, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट है, तो प्लांट्स मैक्सिमम 300 पाउंड नाइट्रोजन का अपटेक कर सकते हैं एक एकड़ में। तो इसका मतलब इतनी नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब मैक्सिमम यील्ड है, मैक्सिमम यील्ड की हम अगर एबिलिटी देखें तो जब मैक्सिमम यील्ड होगी तो 318 नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर हमें एग्रोबायोलॉजी को कंसर्न करके चलना है तो इतना नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी होना चाहिए सॉइल में, तो इसलिए इस लॉ को कंसर्न किया गया है। तीसरा है इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। इससे हमें यह पता चलता है कि भाई किसी प्लांट का मान लीजिए 1% नाइट्रोजन है, 2% नाइट्रोजन है, तो हम मैक्सिमम कितनी यील्ड ले सकते हैं। अगर इसका आपको ग्राफ याद होगा तो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था इसका कि ये इस तरह से चलता है ग्राफ, ये यील्ड है और ये नाइट्रोजन कंटेंट है, लेकिन ये यहाँ से 3 है और ये 0 के आसपास है, ये 2 है, ये 1% है। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन कम होती जा रही है, ध्यान रखना है ये नाइट्रोजन इधर से कम हो रही है, जैसे जैसे नाइट्रोजन कम हो रही है और ये यील्ड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ के बाद एकदम देखिए ज्योमेट्रिक फैशन में यील्ड इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन कंटेंट को कम कर दें तो यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंटेंट का यील्डिंग एबिलिटी से इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए तीन कॉन्सेप्ट को विल्कॉक्स ने कंसीडर किया कि पहला देखने के लिए कि यील्ड अगर हम मैक्सिमम जा रहे हैं तो कितना ग्रोथ फैक्टर चाहिए वो यहाँ से पता चलेगा, कितनी नाइट्रोजन हमें चाहिए वो 318 पाउंड पर एकड़ से पता चल रही है, कितने यील्ड हम ले सकते हैं वो इस ग्राफ से पता चलेगी। तो ये इसलिए विल्कॉक्स का उस समय 1928 में कॉन्सेप्ट थे, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद एडवांसमेंट हुए हैं, कई रिसर्च हुई हैं और ये लॉ जो है अप्लीकेबल होते हैं। कुछ चीज़ इसमें जो है लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक थी। मिट्शेलिच का जो इफेक्ट फैक्टर था 0.122, 0.6, 0.4 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के जो था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उन्होंने बहुत चीज़ों को कंसिडर नहीं किया था। तो लेकिन फिर भी ये लॉ कुछ लेवल तक, कुछ हद तक सही हैं, तो जिनको हम कंसिडर करते हैं। हालांकि 100% कंसिडर नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिमिनिशिंग रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्स कम होता जाता है लेकिन हम हमें ये पता चल जाएगा कितना ग्रोथ फैक्टर चाहिए। फिर इससे हमें पता चलता है इनवर्स से कि हम मैक्सिमम कितनी यील्ड ले सकते हैं। तो पल्सेस में हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई नाइट्रोजन होता है, तो उनकी यील्ड एक लेवल के बाद नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो ये एग्रोबायोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको बताया, और ये जो है जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जामिनेशन में, कि एग्रोबायोलॉजी किससे कंसर्न है और एग्रोबायोलॉजी कॉन्सेप्ट किसने दिया, एग्रोबायोलॉजी में कौन कौन से तीन लॉ आते हैं और ये लॉ किस तरह से एक्ट करते हैं। तो ये तीन लॉ को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीन कॉन्सेप्ट को, इनको अगर आपने नहीं देखा हो तो इनको ज़रूर देखें। तो ये था एग्रोबायोलॉजी के बारे में। अब आपको समझ गए होंगे कि एग्रोबायोलॉजी और एग्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है और एग्रोबायोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।